हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है ये आप लोग टाइटल पढ़ के समझ चुके होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए कि भाई कौन से टीचर के साथ में हमें सीए फाइनल की कोचिंग लेनी चाहिए, कौन से टीचर के साथ में हमें नहीं जाना चाहिए, कौन से टीचर के साथ में नहीं जाना चाहिए ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कौन से टीचर के साथ में जाना चाहिए इस टॉपिक पर मैं जरूर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भी इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ एक रिव्यू बेस्ड वीडियो रहेगा जो कि रिव्यू लिए गए हैं पुराने स्टूडेंट्स से जो सीए बन चुके हैं या फिर जो कोचिंग कर चुके हैं। लगभग 500 स्टूडेंट्स का रिव्यू हमने कलेक्ट किया है, उस बेस पर ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआर के लिए हमारे सामने जो नाम आए हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। आप लोग लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से टीचर्स पर हमने रिव्यू किया, या इसमें से कुछ नाम बेसिकली वो नाम हैं जो हमने स्टूडेंट्स के सामने रखे और कुछ नाम वो हैं जो स्टूडेंट्स ने हमें बताए कि ये टीचर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उनके बेस पर रिव्यू किया गया है। उस रिव्यू में जो निचोड़ निकल के आता है एफआर के टीचर के लिए, आप सब लोग जानते हैं एक ही टीचर का नाम आने वाला है, प्रवीण शर्मा सर का। बिल्कुल दूसरा नाम जो हमारे लिए हमारे सामने आता है एफआर का वो है प्रवीण जिंदल सर। अगर आप लोग सैटेलाइट मोड में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रवीण शर्मा सर के साथ ही जाएं, अगर आप लोग पेनड्राइव मोड प्रेफर कर रहे हैं तो आपके पास में प्रवीण जिंदल सर एक ऑप्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने प्रवीण शर्मा सर का नाम बताया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग प्रवीण जिंदल सर के पास साथ भी आप लोग जा सकते हैं। एसएफएम जो पेपर है बहुत ही इजी पेपर कहते हैं हम लोग बेसिकली, इसके लिए बहुत सारे टीचर्स हमारे सामने है, लिस्ट आप लोगों के सामने है। इसमें से निचोड़ निकलकर कुछ चार टीचर्स का नाम हमारे सामने आया है, उन चार टीचर्स के साथ आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग सैटेलाइट मोड प्रेफर करते हैं तो आप संजय सराफ सर के साथ जा सकते हैं। संजय सराफ सर का भी रिव्यू आप लोग अपने दोस्तों से पूछ ले जिन्होंने किया है, उनका एक ही पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो जब हम लोग सीए फाइनल में है तो बेसिकली हमें इस चीज की आदत हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मान लीजिए संजय सराफ सर के साथ नहीं जाते हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं तो आप नागेंद्र शाह सर या गौरव जैन सर के साथ भी जा सकते हैं, फेस टू फेस क्लास होती है इनकी, आप इनके साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू मिला है इनका। और पेनड्राइव मोड अगर आप प्रेफर करते हैं तो मयंक कोठारी सर, आप सब लोगों को पता है मयंक कोठारी सर का भी रिव्यू हमारे सामने आया है, तो बच्चों का कहना है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चार नाम बेसिकली आपके सामने आते हैं, संजय सराफ सर, नागेंद्र शाह सर, गौरव जैन सर या फिर मयंक कोठारी सर। अब ये बेसिकली मोड्स पर डिपेंड है आप कौन सा मोड प्रेफर करते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो मेरा ओपिनियन यही है कि नागेंद्र शाह सर या गौरव जैन सर के साथ आप लोग जाएं फेस टू फेस क्लास में, बिल्कुल जिसका फायदा बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और आगे जो सब्जेक्ट आता है हमारा ऑडिट सब्जेक्ट है। ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हमने जब बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा, उनका यही कहना था कि आप लोग सेल्फ कर लें ऑडिट। जब भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आप खुद पढ़ोगे उतना ही आपको मगअप होगा, तो ऑडिट के लिए बच्चों का था कि भी सेल्फ कर लें। बाकी फिर भी टीचर्स का लिस्ट आपके सामने, हमने ये नाम उनके सामने रखे, उनका कहना था कि सेल्फ कर लीजिए, अदरवाइज आप पंकज गर्ग के सर के साथ आप लोग जा सकते हैं। अगला सब्जेक्ट जो हमारा वो है लॉ। लॉ के लिए भी जब हमने पूछा तो बच्चों के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल थी, कहते हैं कि सेल्फ कर ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी जब हमने पूछा कोई टीचर का नाम तो उनका कहना था कि दर्शन खरे सर के पेनड्राइव के साथ आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैं एक टीचर का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उन टीचर का नाम तो बहुत है, ढिंडोरा तो बहुत पीटा जा रहा है, लेकिन उनका नाम कहीं भी रिव्यू के अंदर सही नहीं आया। हमने पूछा उन टीचर का नाम कि ये कैसा पढ़ाते हैं तो कहते हैं नहीं बिल्कुल सिर्फ शोर मचाते हैं, ये बात बच्चों ने कही है, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लॉ के अंदर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन रखना चाहूंगा कि लॉ के अंदर मैंने अमित पोपली सर से क्लास ली थी, मेरा मानना है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग उनके साथ जा सकते हैं, उनकी कुछ क्लास वगैरह लीक भी हुई थी आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो आप उन अमित पोपली सर के साथ जा सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। बाकी पेनड्राइव मोड में अगर आप जाना चाहते हैं तो दर्शन खरे सर आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा सेकंड ग्रुप के अंदर आता है, सेकंड ग्रुप के अंदर पोस्टिंग सब्जेक्ट आता है। इसके लिए बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, पोस्टिंग में किसके साथ जाएं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही रहता है कि पोस्टिंग में किसके साथ जाएं, क्योंकि लिस्ट तो बहुत बड़ी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जब नाम आता है किसके साथ जाना चाहिए तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि सबका अपना अलग 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 रिव्यू मिलता है, ठीक है।
तो अब इस रिव्यू को छांटकर हमने जब बच्चों से पूछा तो प्रेफरेंस मिली संजय अग्रवाल सर की, प्रेफरेंस नहीं इवन मैं कहूं वन एंड ओनली तो भी मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि सब बच्चों का कहना था संजय अग्रवाल सर के साथ जाना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि बच्चे कहते हैं कि वो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, तो बच्चों का कहना था कि संजय अग्रवाल सर थोड़ा स्लो जरूर पढ़ाते हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको संजय अग्रवाल सर के साथ जाना चाहिए। फिर भी अगर आप संजय अग्रवाल सर के साथ नहीं जाते हैं तो मेरा काम है आपको एक राय देना। तो सेकंड जो हमारे पास नाम आया उठकर वो सचिन गुप्ता सर का है, एलडीएन के साथ जो सर जुड़े हुए हैं, सचिन गुप्ता सर का है, सचिन गुप्ता सर के साथ आप लोग जा सकते हैं, बट प्रेफरेंस दीजिएगा संजय अग्रवाल सर को। यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर कहता हूँ संजय अग्रवाल सर को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि 500 स्टूडेंट्स में से मैं कहूंगा 450 स्टूडेंट्स का मानना था कि संजय अग्रवाल सर के साथ जाना चाहिए। अगला सब्जेक्ट हमारा इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर के अंदर बेसिकली बच्चों का कहना है कि जिन टीचर्स के साथ आप लोग मेन सब्जेक्ट आपने लिया है उसी टीचर्स के साथ आप लोग जाएं, या फिर आप सेल्फ पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वो नहीं, रिव्यू का पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस लगी थी टीचर्स की, बाकी टीचर्स ने क्लासे ही नहीं ली थी। बाकी मैं आपको बता दूं इसमें सब्जेक्ट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, कैपिटल मार्केटिंग है, जीएफआरएस है, जीएफआरएस के लिए आप लोग एफआर के साथ जाएं, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप लोग संजय सराफ सर ने अभी क्लासे ली है लेटेस्ट, उनके साथ जा सकते हैं। कैपिटल मार्केटिंग के लिए आप एसएफएम के टीचर के साथ जा सकते हैं, और लॉ के लिए आप लोग लॉ के टीचर्स के साथ जा सकते हैं इकोनॉमिक लॉ के लिए। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, कंटिन्यू अमेंडमेंट्स आ रही है और आती रहेगी इसमें, आप अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है। इसमें जो नाम हमारे सामने आया, लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लिस्ट में ये आप लोग नाम देख सकते हैं कि कौन कौन नाम, कौन कौन से नाम हमारे सामने है, लेकिन जो बेसिकली मोटा मोटी नाम उठ के आया कि किसके साथ आपके पास जाना चाहिए, वो नाम वीजी सर या भंवर बराना सर का आया कि भाई वीजी सर के साथ जाएं, भंवर बराना सर के साथ जाएं। जब हमने पूछा इन दोनों में से किसके साथ जाएं, या इसमें से वो, इसमें वो बच्चे इंक्लूड हैं जिन्होंने वीजी सर और बीबी सर दोनों से लिए, उनका कहना था कि बीबी सर के साथ जाएं। हमने पूछा क्यों, तो उनका कहना है कि बीबी सर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं और वीजी सर का ऐसा नहीं है, और जो वीजी सर के साइड से स्टूडेंट्स ने बोला उनका कहना था कि वीजी सर का जो समरी मॉड्यूल है वो भी बहुत बढ़िया है, तो बीबी सर वालों बच्चों का भी कहना था कि जो बीबी सर का कॉम्पैक्ट मॉड्यूल है वो बहुत बढ़िया है। तो आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला सब्जेक्ट हमारा है आईडीटी जीएसटी जो है। अब जीएसटी के लिए लिस्ट तो बहुत बड़ी है आपको पता है, लेकिन जाए किसके पास, सबसे पहले नाम आया हमारे पास राजकुमार सर का। राजकुमार सर का ये है कि बैच उनका जो है थोड़ा डिले रहता है हमेशा, कि जब मर्जी छुट्टी हो जाती है, ऐसा बच्चों का कहना है कि जब मर्जी छुट्टी कर देते हैं राजकुमार सर। और पेनड्राइव मोड के लिए अगर आप जाना चाहें तो विशाल भट्टर सर का नाम हमारे सामने आया। तो इसमें कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे बीबी सर जो है एलडीएन से जुड़ चुके हैं, न्यूज अभी हमारे सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं आप लोग बीबी सर का जो है राजकुमार सर के साथ कॉम्बो बनाकर ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कॉस्ट बेनिफिट भी आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये मेरा रिव्यू बेस्ड वीडियो है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। अब मैं आपको एक समराइज बता देता हूं कि बेसिकली अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो आपको किसके साथ में जाना चाहिए, या आप लोगों के पास अगर इन सब टीचर्स की कोचिंग अवेलेबल है आपकी सिटी में तो आपको किस टीचर के साथ जाना चाहिए। आप बिल्कुल ऑफकोर्स अगर आप सेटेलाइट मोड प्रेफर करते हैं तो प्रवीण शर्मा सर के साथ एफआर के लिए जाएं। अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो फेस टू फेस प्रेफर करें एसएफएम का नागेंद्र शास्त्र या गौरव जैन सर के साथ में। तीसरा हमारे पास ऑडिट है, सेल्फ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पंकज गर्ग सर है हमारे पास। चौथा आप लॉ के लिए अमित पोपली सर के पास जा सकते हैं अगर आप लोग सैटेलाइट मोड प्रेफर करते हैं तो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो बुरा नहीं पढ़ाते हैं, और आप जब उनके साथ जाएंगे उनसे पढ़ेंगे दिल से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये कहेंगे कि वो बुरा पढ़ाते हैं। फिर अगला नाम हमारे पास आता है कॉस्टिंग के लिए संजय अग्रवाल सर का। सिक्स पेपर के लिए कोई ओपिनियन नहीं है, सिक्स पेपर का बोलना है कि मेन पेपर जिससे आपने लिया है, और सेवंथ पेपर के लिए बीबी सर के साथ जाएं आप लोग, क्योंकि ये जो मोस्टली नाम उठकर आता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला टीचर है तो बीबी सर के साथ जाएं आप लोग। और 8.8 जो टीचर है जो आईडीटी के लिए, आप लोग राजकुमार सर के साथ या विशाल भट्टर सर के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो हमारा रिव्यू बेस्ड वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट्स है, आप लोगों की कोई भी ओपिनियंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें, हम लोग अगले वीडियो में उस चीज को जरूर उठाएंगे। एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगले वीडियोस में मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं अमेंडमेंट्स की। आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू आईसीए हमारे मॉड्यूल्स को चेंज कर रहे हैं,
हमारे सिलेबस में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट्स हमें पढ़नी चाहिए, मई 19 के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होगी, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो नहीं इवन मैं एक सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग कंटिन्यू अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, वेट करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।